अभी तक प्लगइन्स को तो आपने समझ लिया आपने प्लगइन्स को देख भी लिया कि कैसे प्लगइन से आप पैसे बना सकते हैं

जिनको यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस की थीम्स को बना सकते हैं और जैसे आपने प्लगइन्स बनाने को सीखा जैसे आपने सीखा कि वर्डप्रेस के प्लगइन्स बना के मार्केट प्लेसेस पे कैसे आप सेल करके पैसे बना सकते हैं उसी तरह से इसी सिंपल तरीके से आप थीम्स भी बना सकते हैं द लैंग्वेज दैट यू विल यूज़ टू मेक थीम्स उन लैंग्वेजेस का नाम है एच टी एम एल and CSS, hypertext markup language, and cascading style sheets. So these four languages together, PHP, MySQL, HTML, and CSS, make the whole system of the WordPress CMS or the WordPress content management system as we know it. So now let's focus on that topic. जिसका नाम है वर्ड प्रेस मेकिंग मनी बाय सेलिंग एंड मेकिंग थीम्स तो थीम्स होती क्या है थोड़ा सा रिकैप हमेशा जरूरी रहता है और अच्छा भी रहता है सो रिकैप ये है कि थीम्स लेट यू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ वर्ड प्रेस वेबसाइट प्लग से किस तरह थीम्स डिफरेंट होती है थीम्स लेट यू चेंज द अपीयरेंस प्लग इन मोस्ट केसेस डू नॉट लेट यू चेंज

ड टू लर्न हाउ टू कोड एग्जाम्पल्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके फोन्स होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट थीम्स होती हैं वैसे ही थीम्स लेट यू चेंज द अपेयरेंस ऑफ योर वेबसाइट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ थीम डिवेलपर कि आपके साथ कोई डिज़ाइनर भी काम करे इसीलिए जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया भाई ये सारा काम अकेले नहीं हो सकता दिस इज थीम वर्क दिस इज ऑल्सो टीम वर्क थीम वर्क तभी होगा जब टीम वर्क होगा सो so, थीम्स बनाने के लिए आप खाली एज अ डेवेलपर आपकी एक्सपर्टीज काफ़ी नहीं है यू नीड टू ऑल्सो वर्क विद अ डिज़ाइनर हु विल टेल यू किस तरह की डिज़ाइंस की थीम आपने बनानी है और उनको किस तरह से सेल करना है और किस तरह की ऑडियंसेस को टारगेट करना है सो so, थीम्स के बारे में ये तो कुछ हो गया और हमें पता है कि अपेरेंस और थीम्स का जो सेक्शन है वर्ड में वहाँ से आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं लेकिन वर्ड से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको बताने में उन वर्ड प्रेस हीरोज़ का जिन्होंने डेवलपमेंट या डिज़ाइन या वर्ड को किसी भी तरह से यूज़ करके अपनी ज़िंदगी तो बदली बट इस तरह बहुत सारे लोगों की इर्द गिर्द जिंदगी बदली और इसी तरह के एक हीरो हैं हमारे साथ हारिस मोहम्मद हारिस सो हु इज मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस इज समवन कैन बी टर्म्ड एन एंटरप्रेन्योर अ फ्री लांसर एज वेल एज अ स्मार्ट वर्कर मोहम्मद हारिस ने एक ऐसी थीम बनाई जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सेल होने वाली थीम है जिसका नाम है अवाडा वट इज अवाडा? अवाडा इज अ वर्ल्ड प्रेस थीम दैट हैज बीन सोल्ड टू मोर देन हाफ अ मिलियन कस्टमर्स एंड इन टोटल सो इस थीम ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड वेन इट कम्स टू वर्ड प्रेस और ये हमारे इस नौजवान पाकिस्तान के नौजवान मोहम्मद हारिस ने अपनी टीम के साथ किया मिल के जिस टीम का नाम है थीम फ्यूजन इनकी कंपनी का नाम है थीम फ्यूजन एंड वाई डू आई कीप टेलिंग यू दीज लोकल स्टोरीज इज बिकॉज जब भी हम आंटरप्रिनोशिप सीखते हैं तो हमें एग्जाम्पल्स दी जाती हैं बाहर के आइकन्स और बाहर के लोगों की जबकि असल आइकन्स असल सुपर हीरोज़ ये लोग हैं पीपल लाइक मोहम्मद हारिस हु हैव चेंज देयर लाइफ एंड हु आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर तो आप कहेंगे साथ भाई आपने इंस्पायर तो कर दिया है आप जरा ये भी बता दें कि कैसे हम वर्डप्रेस के थीम्स बना के बना सकते हैं सो हाउ कैन वन मेक मनी बाई मेकिंग थीम्स सो सेलिंग थीम्स इज अ वेरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है हैज एग्जिस्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ दस सालों से लोग वर्ड प्रेस की थीम्स बना रहे हैं और उन थीम्स को एक प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पर सेल कर रहे हैं लेकिन ये याद रखिएगा कि वर्ड प्रेस की थीम बनाना एक ही थीम बना के उसको सेल कर देना इज़ नाट दैट ईजी एंड नॉट दैट सिम्पल ये नहीं कि आज आप जाएंगे कल थीम बनाएंगे और परसों वो महरान जो आपके पास है वो मर्सिडीज बन जाएगी इतना आसान तरीका नहीं है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लग इंस को बनाना सीखना और उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है इसी तरह थीम्स आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स और थीम्स की जो दूसरी एक चीज़ है वो ये भी है कि थीम्स हैव मोर कॉम्पटिशन

मोर देन थर्टी परसेंट ऑफ द इंटायर इंटरनेट यूज प्रेस अगर इतनी ज्यादा मार्केट है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होगा और कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा सही आइडियाज पे फोकस करना पड़ेगा जिससे आप थीम्स बेच सकते हैं और साथ ही साथ एक लर्निंग कर्व है दैट लर्निंग कर्व इज समिंग दैट विल टेक यू समाइम टू बिल्ड द राइट वर्ल्ड प्रेस थीम तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा लेकिन वर्ल्ड प्रेस थीम अगर बन भी गई तो बेचेंगे क्या उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम मैं आपको बताना जा रहा हूँ वन इज थीम फॉरेस्ट इट्स द बिगेस्ट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट बाय द इन्वेटो ग्रुप जिससे आप वर्ल्ड की थीम्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और जो मैंने आपको वर्ल्ड प्रेस की सुपर हीरो की स्टोरी मोहम्मद हारिस की बताई थी उन्होंने भी अपनी थीम को यहाँ पे डाल के टेन मिलियन डॉलर्स कमाए आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं और आप मोजो मार्केट प्लेस पे भी बेच सकते हैं ये क्विक एग्जाम्पल है ऑफ अ थीम सेलर कॉल डब्ल्यू पी क्यूब और इनकी अगर आप चार्ट को देखें तो आपको नजर आएगा कि इनकी ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे हो रही हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक थीम फॉरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया वर्ड प्रेस थीम सेलिंग इज नो इजी बिजनेस बट इट इज द राइट बिजनेस फॉर द पीपल विद द राइट स्किल्स तो अब मैं आपको वो प्लेटफॉर्म दिखाना चाहता हूं जिसपे थीम सेल करके लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीज बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए इस प्लेटफॉर्म का नाम है थीम फॉरेस्ट आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं और जब आप थीम फॉरेस्ट को खोलेंगे तो आपको नजर आएगा देर आर मिलियंस ऑफ थीम्स अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म बट वी आर मोस्ट फोकस्ड ऑन वर्ल्ड प्रेस एंड वी आर मोस्ट फोकस्ड ऑनर तो वर्ल्ड प्रेस पॉपुलर आइटम्स पर जाएंगे आपको सबसे टॉप पे नजर आएगा अवाडा अवाडा द थीम दैट इज डिवेलप्ड बाई मोहम्मद हारिस द प्राइड ऑफ पाकिस्तान द प्राइड ऑफ द वर्ल्ड प्रेस कम्युनिटी इससे आपको अंदाजा होगा कि अगर हारिस ने ये थीम बना के अपनी ज़िंदगी बदली तो आप भी एक दिन हारिस की तरह अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं विद वर्ड प्रेस प्लीज गो टू दे मार्केट प्लेस स्पेसिफिकली थीम फॉरेस्ट एंड वहाँ पे जाके स्टडी करें डिफरेंट थीम्स को और देखें कि कैसे थीम्स बना के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं पैसे कमा सकते हैं और वर्डप्रेस की कम्युनिटी में वैल्यू एड कर सकते हैं एंड डोंट फोगेट टू इंटरेक्ट विद एस टू मीट एस टू लर्न विद आस एंड टू बिल्ड विद आस